नमस्कार, रात के 10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिंगापुर की कंपनी मैनहट कंपनी ने जमशेदपुर पूर्व से विधायक और जेडीयू नेता सरयू राय पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। कंपनी ने इसको लेकर रांची कोर्ट में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। कंपनी का ये दावा है कि सरयू राय बार बार मैनहट कंपनी को वादों में खींच कर ले आते हैं, जिससे कंपनी की छवि धूमिल हो रही है और इससे वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। जिसके जवाब में सरयू राय ने भी कंपनी को चुनौती देने की बात कही है। सरयू राय ने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक भी बात गलत नहीं कही है और 2 साल पहले लम्हों की खता जो किताब लिखी है उसमें टेक्निकल टीम की जांच, पुलिस कोर्ट और अन्य सभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। सरयू राय कंपनी की ओर से मानहानि के दावे को अपने लिए एक बेहतर अवसर मान रहे हैं कि वो अब कोर्ट में सारे दस्तावेज पेश करेंगे। ये चोरी और सीनाजोरी दोनों ही है। 20 साल के बाद उनको अपने इसकी याद आई है कि कोई हमारी भी प्रतिष्ठा है 100 करोड़ रुपए की। मैंने तो एक लम्हों की खता नाम की एक किताब भी लिखी है, 3-4 साल हो गया। उसमें हमने जो लिखा है उसमें से एक भी चीज़ गलत हो तो मैं तो चुनौती देता हूँ कि वो बता दें। मैंने जो भी कहा बोला है वो विजिलेंस टेक्निकल से लें, हाईकोर्ट के आदेश पर जांच किया इनके खिलाफ में और पाया है कि बिल्कुल ही योग्य नहीं थे उस टेंडर के शर्त के हिसाब से कि उनको नियुक्त किया जाए। इस पर जो राजनीतिक रूप से इनके पक्ष में निर्णय हुए हैं उनकी ढाल लेकर उन्होंने मुकदमा किया है। मेरे पास टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट में किस तरह से सरकारों ने इनका पक्ष लिया उसकी रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट मैं कोर्ट के सामने रखूंगा। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ में मुकदमा किया है। मुझे एक अवसर मिला है कि फिर सारे दस्तावेज मैं कोर्ट के सामने रखूँ। अब आप भी जरा मैनहट और सरयू राय के विवाद को समझ लीजिए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सरयू राय पर 100 करोड़ की मानहानि का ये दावा है। आपको बता दें कि ये सिंगापुर की कंपनी मैनहट ने ये दावा ठोका है। तो सरयू राय और मैनहट का क्या विवाद है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनहट कंपनी ने रांची सिविल कोर्ट में दाखिल किए, साथ ही मैनहट कंपनी का सरयू राय पर ये आरोप है कि सरयू राय की वजह से कंपनी की छवि धूमिल हो रही है। तो विवादों की वजह से कंपनी को वित्त नुकसान हो रहा है, ऐसा कंपनी का कहना है। रांची में सीवरेज ड्रेन के डीपीआर से जुड़ा है ये पूरा मामला। तो एक एक जानकारी मैं आपको दे रहे हैं। 21 करोड़ के डीपीआर घोटाले का लगाया था ये आरोप और आगे आपको और भी सरयू राय और मैनहट से जुड़े जो भी अब विवाद है वो हम आपको समझाने की कोशिश करें। सरयू राय ने 2 साल पहले लिखी है लम्हों की किताब, साथ ही मैनहट नियुक्ति घोटाले पर लिखी है ये किताब। तो गलत तरीके से मैनहट को परामर्शी बनाया गया और इसका नुकसान हुआ। तत्कालीन सरकार के नगर विकास मंत्री पर मिलीभगत का भी आरोप लगा है। साथ ही सरयू राय का ये दावा किताब में कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा सरयू राय का कहना है। एक एक बात जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई है। तो सरयू राय इस बात को बिल्कुल साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि किताब में जो भी बात है वो साफ है। 11 जुलाई 2024 को डोरंडा थाने में FIR का आवेदन दिया गया और आपको बता दें कि कंपनी के दावों को चुनौती देने को तैयार है सरयू राय। तो सरयू राय का यह कहना है कि मैं चुनौती देता हूं कि मेरे किताब में जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सही है और इसको मैं पेश भी कर सकता हूं। चलो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत सोशल मीडिया एक्स पर प्रोफाइल फोटो बदलकर की है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक वीडियो भी साझा किया है। रांची में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के अभियान को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने अपने आवास से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर तक तिरंगा कैसे फहरे इसके लिए योजना बनाई है,
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर तिरंगा लगवाने का काम करेंगे और हर व्यक्ति के अंदर यह भाव पैदा हो कि हमें अपने तिरंगा के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना है। बीजेपी का हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर रांची में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने यह कहा कि बीजेपी संगठन और विचारों पर आधारित पार्टी है। अगस्त में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलेगा। दूसरा प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत को एक जन आंदोलन बनाया गया है और इसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कैसे पहुंचे हम इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करें। झारखंड में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित कई सांसदों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर 257 सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जल जंगल और जमीन के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 2 दिनों तक चलने वाले आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, खान पान को समेटे इस महोत्सव में देश के कई राज्यों से आए कलाकार शिरकत कर रहे हैं। महोत्सव की शुरुआत के बाद प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जुटी है। आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को साफ संदेश दिया कि आदिवासियों के सम्मान, उनकी संस्कृति और महिला सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। जनता के लिए उनका संघर्ष जारी रहने वाला है तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेश में पेसा कानून लागू करने की अपील की। साथ ही आदिवासी समाज से सीख लेने का संदेश भी लोगों को दिया। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और वास्तव में ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इन दिनों झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में इस योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में आदिवासी महोत्सव में इस बार कवि सम्मेलन से लेकर फैशन शो तक के आयोजन से राजधानी रांची में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। News 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। अलग अलग समिति का जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक से होता हुआ कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ता नजर आया। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज के लोग दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए। आदिवासी
आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची में रंगारंग नजारा है। हम इस समय राजधानी रांची के अलवर टिक्का चौक पर हैं। आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज की खूबसूरती जो प्रकृति के करीब है किस तरह नजर आ रही है। हाथों में सखुआ का पौधा है और तरह तरह के जंगली जानवरों का रूप धरा गया है, ताकि जंगल है धरती है तभी हमारा वजूद है। बोले कि ये जो नजारा है क्या संदेश है? हम लोग विश्व आदि दिवस में पहले ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक प्रकृतिक बचेगी तब इस धरती पे जितने भी जीव जंतु जितने जाति धर्म के लोग रहते हैं तब बचेंगे। इसलिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि धरती को बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति बचेगी तब धरती के जीव जंतु और मानव जीवन बचेगी। सिर्फ चिड़िया मारने के लिए नहीं होता, जैसे हम खेतों में काम करते हैं तो वहाँ कैसे कभी कभी चिड़िया आते हैं और अनाज खराब करते हैं, तो उससे भी उसको भी भगाने के लिए हम लोग गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। कि आदिवासी बेटियों की सोच है कि गुलेल का इस्तेमाल किसी पर हमला करना नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। और देख सकते हैं कि अलग से अलग नज़ारे हैं और संदेश यही है कि प्रकृति से अगर हम जुड़ेंगे तो वास्तव में दुनिया हमसे जुड़ेगी और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। साड़ी कौन पहनाया? साड़ी कौन पहनाया? अपने से पहनी है? मम्मी बनाई है? आपने बनाई है साड़ी? हाथ में क्या लेके चल रही है? ये तीर धनुष है, हमारा आदिवासी का पहचान। देख रहे हैं कि पहचान जो है, अगर पहचान संस्कृति के रूप में उभर कर सामने आए तो आदिवासी समाज उसे ही आज जाहिर करने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी घर के काम के लिए नौकर या नौकरानी रखते हैं तो सावधान हो जाइए, जरा उस नौकर की जांच परख कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में काम करने के लिए आ रहे नौकर या नौकरानी आपकी पूरी कमाई साफ कर जाए, क्योंकि दिल्ली, यूपी और झारखंड में साथ ही ओडिशा के कई ऐसे शातिर गिरोह सक्रिय हैं जो घरेलू नौकर के बहाने बड़े घरों में प्रवेश करते हैं और मौका मिलते ही पूरा घर साफ कर निकल जाते हैं। दिल्ली से पुलिस की गिरफ्त में आई एक ही महिला चोर के पास से 10 से अधिक आधार कार्ड और 14 मोबाइल सेट मिले हैं। गिरोह के सदस्यों का पता झारखंड के सिमडेगा और उड़ीसा के सुंदरगढ़ में मिला है। हाल के दिनों में दिल्ली के बसंत कुंज और यूपी के इंदिरापुरम में चोरी की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है। ऐसे में शातिर एक एक गिरोह में 10 से 15 सदस्य तक काम करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ऐसे गिरोह से आप कैसे सावधान रह सकते हैं। सबसे पहले बताएं कि दिल्ली, यूपी में सक्रिय है झारखंड, उड़ीसा के ये गिरोह, तो दिल्ली और यूपी के जो लोग हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा के ऐसे गिरोह अब सक्रिय हो गए हैं। हाई प्रोफाइल घरों में घरेलू नौकर के तौर पर ये एंट्री लेते हैं, तो जो हाई प्रोफाइल घर है वहां पर ये एंट्री लेते हैं, फर्जी दस्तावेज और एजेंट के माध्यम से ये एंट्री लेते हैं और फिर शुरू होता है सही समय का इंतजार। तो सही समय का ये इंतजार करते हैं और फिर अपने पूरे प्लान को अंजाम देते हैं। घर में सीसीटीवी कैमरे के तौर पर चुपके से ये वहां पहुंचते हैं, मौका मिलते ही साफ कर देते हैं लाखों का सामान। तो ऐसे गिरोह से आप बच के रहिए। साथ ही फर्जी दस्तावेज की वजह से मुश्किल होता है इन्हें, और ऐसे गिरोह में 10 से 15 सदस्य शामिल होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। साथ ही घरेलू नौकर रखने से पहले आप ठीक से जांच पड़ताल कर लीजिए और उसके बाद ही घर के नौकर को रखिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें कि केंद्र कैबिनेट की बैठक में 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और इन परियोजनाओं से बिहार झारखंड का भी ईस्ट कोस्ट के पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के दौरान और प्रोजेक्ट के पूरे होने पर रोजगार पैदा होगा। बिहार और झारखंड को जोड़ते हुए गंगा पर एक नया रेलवे ब्रिज बनेगा। विक्रमशिला से कटारिया न्यू रेलवे लाइन बनेगा। साथ ही 26 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन में गंगा नदी पर 2,549 करोड़ की लागत से एक डबल लेन का रेलवे ब्रिज भी बनेगा। इसके मल्टीपल इफेक्ट है, कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को
ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी, और यहां पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद में जो तीन प्रोजेक्ट है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर, इन दोनों जिलों जो दोनों के दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें बादाम पहाड़ केउंझर न्यू लाइन 82 किलोमीटर की, बांगरी पोसी गोरु महिसाणी न्यू लाइन 85 किलोमीटर, और बुरामुरा चकुलिया न्यू लाइन 59.9 यानी 60 किलोमीटर। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल झारखंड बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे उनका सामान आ सके और ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स से उनके जरूरत की चीजें एरियाज में जा सके। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके रेलवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है, वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर है लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज टू लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोड़ रुपीस। और इसी बीच जमशेदपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जमशेदपुर में गुरुवार की रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद उस गाड़ी का जो सच सामने आया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गाड़ी को मॉडिफाई करके उसमें मवेशी की तस्करी की जा रही थी। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसमें साफ देखा जा सकता है कि इस गाड़ी में कुछ युवक शहर में चौक चौराहों पर बैठकर आवारा पशुओं को जबरन कार में बिठा लेते, वहां पर ले जाते हैं और पशु तस्करी की इस घटना को आम लोगों में प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा है। सर तो कुछ नहीं मिला, खाली है गाड़ी, खाली है सर। क्या संदेह, क्या संदेह हो रहा है सर गाड़ी देखकर? गाय को लगता है इसमें लोड करके ले जाता है सर। ये कितने बजे की घटना हुई गाड़ी दुर्घटना? रात की घटना है। रात को कितने बजे अप्रोक्स कुछ आइडिया सर? लगभग होगा अब तो आइडिया के एक दो बजे का होगा। लोग गाय को चोरी कर रहे हैं, गाय के बछड़े को चोरी कर रहे हैं, इस तरह से गाय अपना गाड़ी में जगह बना करके कल होकर के उसमें हो सकता है कि बड़े बड़े घरों में डकैती डालना शुरू करेंगे और उसी तरह के गाड़ी का जो मॉडिफिकेशन किए हो उस तरह का गाड़ी में लेकर के चले जाएंगे। कि मवेशी का तस्करी हो रहा है, और तस्करी नहीं बोलिए मवेशी का अपहरण किया जा रहा है। एक सुंदर गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी है उसको मॉडिफाई करके और उसके पीछे के सीट को हटा के आप बताइए कि उसमें जो चलते फिरते मवेशी हैं जो कॉलोनी में बस्ती में घूम रहे हैं रात में उसमें रस्सी का फंदा लगा के उसको तस्करी करके उसको बेचा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम निंदा करते हैं। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 5 में बांसजोड़ा कोलियरी के बंद 6 नंबर पिट से जहरीली गैस का रसाव तेज हो गया है। बारिश के कारण गैस रसाव तेजी से हो रहा है और जिस स्थान से गैस का रसाव हो रहा है उसके ठीक बगल में बांसजोड़ा कोलियरी की हाजिरी घर है, जहां हर दिन सैकड़ों बीसीसीएल कर्मी अपनी हाजिरी बनाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और आसपास के लोग भी हमेशा सहमे रहते हैं। आग लग गया सर, बहुत गैस निकलता है, देखिए हम लोगों को व्यवस्था नहीं है, हम लोग आग में रह रहे हैं, थोड़ा उपाय कीजिए। दरार पड़ गई। हाँ घर में भी देखिए, दीवार दिखिए, मेरा घर का दीवार घर में भी नीचे भी लग गया। आग लगा हुआ है और पूरे क्षेत्र में आग लगा हुआ, जिससे लोग यहाँ बहुत भयभीत। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ कोयला मंत्री का भी आगमन हुआ, जबकि कोयला मंत्री शुरू में ही पहला मरते फुलांचल में बांसजोड़ा कोलियरी आए, अपने आंखों से देखे। उनके सामने जीएम थे, कोयला सचिव थे, सीएमडी थे,
सभी के बीच यहाँ के ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सोचा और सौंपा और अपना मांग भी रखा कि उचित मुआवजा के साथ हमें जमीन दिया जाए और 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में दिया जाए, हम लोग यहाँ से विस्थापन होने के लिए तैयार हैं। गैस नहीं, ऐसा पता है जैसे चूल्हा पर पानी हम लोग डालते हैं तो चूल्हा पर पानी डालने के बाद जैसे भाप निकलता है ना, उसी तरह से मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, बरसात जो सीपेस पानी जो अंदर जाता है तो पानी अंदर जाने के चलते ही भाप के जैसा मतलब कि निकल रहा है उसके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।